बालक को आदि पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते। लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना मोदी जी ने, वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा, किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते। पेट्रोल को 70 रुपए पहुँचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 ही खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है, सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया अपने प्रचार प्रसार के लिए, लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए, और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। दो सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली, 4 साल के ठेपे कर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता हमारे। कौन नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। अब तो ये जनता भी आंख उठा के देखने लगी।